हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द नोटर्स एक्सप्रेस तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉट ई फाइल होती क्या है ठीक है तो कई बार मैंने पिछली बार आपने देखा था यहाँ पे लिखा था ना प्रोसेस डॉट ई ये होता क्या है इसे मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँ तो वो मैं आपको आज इस टूटोरियल में सिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं और इसको ऑन करते हैं ठीक है थीके? उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको रूट पर जाकर एक ई फाइल क्या करनी पड़ती है क्रिएट करनी पड़ती है जिसका नाम होता है डॉट ई दैट इज इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सारे बनाने पड़ेंगे आपको तो सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल है डी यूजर का तो इसमें डी बी डॉट यूजर लिखिए फिर डी होस्ट का तो यहाँ पे जाकर डी होस्ट भी लिखिए ठीक है ठीके? जो जो वेरिएबल्स यहाँ पे आप यूज कर रहे हो वो सारे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए यहाँ पे डिफाइन होने चाहिए ठीक है ये इन्वायरमेंट फाइल कभी भी हम गेट पे या कहीं पर पुश नहीं करते हैं डायरेक्टली सर्वर पे ही पुश होती है ठीक है ताकि वो वहां से क्योंकि ये इस इस फाइल्स पर सारा सारा डेटा है ठीक है तो आप डायरेक्टली कहीं पे भी पेस्ट नहीं कर सकते ठीक है तो ये इसमें फाइल सिर्फ और सिर्फ सर्वर पर होती है ना आपको गेट पे पुश करनी है ना गेट लाभ पे पुश करनी है ठीक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है ठीक है जिसमें सारे के सारे डेटा जो है कॉन्फ़िगरेशन का मैं यहाँ से पिक करूंगा इन साइड की मैं यहाँ पे कुछ भी मैंने तो बस यहाँ पे लिख दिया तो मैं कोड पर दिखाऊंगा नहीं कि मैंने ये एन फाइल में क्या क्या लिखा है ठीक है तो यहाँ पे मैंने डी बी डॉट यूजर लिख दिया और यूजर क्या है मेरा यहाँ पे पोस्ट तो यहाँ पे जैसे जैसे वेरिएबल्स लिखे हैं आपने क्या करना यहाँ पे लिखते जाना पोस्ट उसके बाद है होस्ट तो आपने लिख देना लोकल होस्ट यहाँ पे जाके होस्ट है आपका क्या है लोकल होस्ट ठीक है उसके बाद है आपके पास डेटाबेस कौन सा है वो है पोस्ट का तो आप यहाँ पे लिख दो पोस्ट का ठीक है उसके बाद है आपके पास पोर्ट तो पोर्ट है हमारे पास फोर फाइव थ्री टू तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्ट इज इक्वल टू फोर फाइव टू और है पोस्ट क्रेस एडमिन पासवर्ड है मेरा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन ठीक है तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी रेडी अब करना है मैंने इसको इंपोर्ट ठीक है तो किस तरीके से करूँगा वो होता है डॉट ई एन वी से तो मैं पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ डॉट ई एन वी डॉट ई एन वी और एन पी एम लिखूँगा आगे ठीक है ये आ जाएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ हुई होगी पक्की बात है ये देख लो बहुत ज़्यादा है तो समझ लो कितना ज़्यादा यूजफुल है ये हमारे लिए कॉपी दिस इंस्टॉल दिस पैकेज नाउ अभी इसने दे दिया ना कि कनेक्शन पासवर्ड गलत है कुछ भी इसको मिल ही नहीं रहा है ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एन वी एन डॉट ई एन वी क्या कर दी इंस्टॉल कर दी ठीक है उसके बाद इसको कन्फिगर कैसे करना है मैं आपको बता दूँ ये हो गया अब यहाँ पे क्या करना है रिक्वायर डॉट ई एन वी लिखना बस अपने ही मेन फाइल में तो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा ये कन्फिगरेसन फाइल से उठाना शुरू कर देगा सेव कर दो अभी आपको पता चल जाएगा कनेक्शन बता देगा ये ठीक है तो एन पी एम स्टार्ट कर दिया मैंने ठीक है अब आ गया ना कनेक्टेड टू द पोस्ट इक्वल डेटा बेस ठीक है पहले पोस्ट में एरर आ रहा था ठीक है अब क्या हो गया कन्फिग्रेशन फाइल से सब कुछ उसने उठा लिया ठीक है और मैं जाके अगर चेक करूँ यहाँ पे डेटा अगर गेट करने वाला भी है फ्रॉम पब्लिक डॉट यूज़र वाला पब्लिक डॉट यूज़र ठीक है और जाके मैं यहाँ पे चला दूँ तो डेटा आना चाहिए भाई आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारी ई एन वी फाइल जो डॉट ई एन वी फाइल है वो अच्छे से कन्फिगर हो गई है तो इस तरीके से क्या करना है आपने डॉट इन फाइल को कन्फिगर करना है सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वहाँ फेंक दो वहाँ से यूज़ कर लो और इसको और नीट एंड क्लीन बनाने का तरीका एक और है कि आपने कॉन्फिक्ट फाइल बनाई है कॉन्फिक्ट के अंदर डेटाबेस वाला कोड जो है ना सारा सारा वहाँ रख दो वहाँ से कनेक्शन बनाओ ठीक है वो नीट एंड क्लीन कोड है लिखने का एक फाइल में सब कुछ लिखने का फायदा नहीं होता मॉड्यूल्स वाइज सेपरेट कर लो जैसे कॉन्फिक्ट में आपने डी बी डॉट जी एस बना दी ठीक है उसमें सारा एक कोड नीट क्लिक करके वहां पे रख दिया तो वहां से कनेक्शन बना के यहाँ पे कॉल कर लिया तो इस तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है जो एक्मा का एक्मा जो सिक्स हम यूज करते हैं तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आपको बताऊंगा ठीक है किस तरीके से एक्सपोर्ट करना मॉड्यूल को क्या है तो अभी के लिए इतना ही ठीक है एनी डाउट एनी क्वेरी इन दैट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे